में कोई भूखा नंगा नहीं था। हम स्वच्छ भारत मिशन के आपके चलाए गए अभियान से हम लोग भूखे नंगे टहल रहे हैं। नहीं भी सर, हम ये कहा था स्वच्छाग्राही को हमारी सरकार न्यूनतम वेतन की गारंटी देती है। मैडम जी, 3 महीना हो गया है, आज तक कोई लेटर जारी नहीं किया गया हम लोगों के लिए। हम लोग 12 दिन से इको गार्डन में धरने बैठे हैं। यहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं। कम से कम 200 हमारे स्वच्छाग्राही जो है बीमार, ठंड में पड़ के मैम बीमार पड़े। यूपी सरकार ने 1 अक्टूबर को इन स्वच्छाग्राहियों ने जो काम किया, ये हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन प्रथम स्थान दिलाने काम स्वच्छाग्राहियों ने किया। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। और आज ये जितने भी कर्मचारी हैं, ये कोई अपराधी नहीं है, ये अपनी जो मांगे हैं इनके लिए यहाँ पर धरना दे रहे थे, लेकिन इनको इको गार्डन ले जाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा था उसमें सबसे बड़ा योगदान इन कर्मचारियों का है, लेकिन सरकार इनको नजरअंदाज कर रही है, इनको इनका वेतन नहीं दे रही है। 2 हफ्तों से ज्यादा ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और इनको इस तरह से ले जाया जा रहा है जैसे ये कोई अपराधी हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। जी, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग? जी मैम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चयनित मैं स्वच्छाग्राही हूं। और मैम, मैं 7 साल से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत काम कर रहा हूं। मैम, जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, खुले से शौच मुक्त, आज मैम गाँवों की ये स्थिति है। गाँव में एक व्यवस्था थी, एक तरफ पुरुष शौच के लिए जाते थे, एक तरफ महिला शौच के लिए जाती थी। मैम, हम लोग तीन बजे उठ के DPRO भी साथ में रहा करते थे। गांव में जाके जिस तरह महिला जाती थी महिला टीम लगाते थे, जिस तरह पुरुष जाता था पुरुष टीम लगाते थे कि आप लोग खुले में शौच मत करिए। और मैम, जो हमारी टीम 3 बजे उठ के जाती थी, आज उसका नतीजा है कि आप गांव में चले जाइए। मैम, गांव में एक व्यवस्था ये भी होती थी, महिला एक तरफ शौच के लिए जाती थी, पुरुष एक तरफ शौच के लिए जाता था। हम लोगों ने लाके लोगों का व्यवहार परिवर्तन किया, आज जो है मिशन कामयाब हो गया, उसके बाद में ODF प्लस हो गया पूरा प्रदेश, पूरा देश। और सरकार आप ही की सुन नहीं रही, सरकार मेरी सुन रही है मैम। और फिर बीच में हमको गाइडलाइन हुई कि जो विकलांग मतदाता है, आप लोग जितने स्वच्छाग्राही व्हील चेयर से इनको वोटिंग कराएंगे। इसके बाद हम लोग उसको भी विधानसभा लोकसभा में कराते रहे। फिर मैम, दूसरी बात ये कि कोविड के प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग नुक्कड़ सभाएं किए, गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक किए। अभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको गंदगी करने से रोक रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, लेकिन दीदी आपकी सैलरी नहीं दी। यूपी सरकार ने 1 अक्टूबर को इन स्वच्छाग्राहियों ने जो काम किया, ये हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन प्रथम स्थान दिलाने काम स्वच्छाग्राहियों ने किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इन स्वच्छाग्राही 1 अक्टूबर को और नवीं चरण में ये कहा था स्वच्छाग्राही को हमारी सरकार न्यूनतम वेतन की गारंटी देती है। मैडम जी, 3 महीना हो गया है, आज तक कोई लेटर जारी नहीं किया गया हम लोगों के लिए। हम लोग 12 दिन से इको गार्डन में धरने बैठे हैं, यहाँ पे आते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग बस के माध्यम से भर के फिर भेज दिया था। और हमारे बहनों के साथ 14 बहनें और सरकार, हम लोग अपने मिशन से, जो हमारा विभाग है, हम लोग अपने मिशन डायरेक्टर से भी प्रयास किए और मिले, वो भी हाथ उठाते हैं कि माननीय अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो भी गाइडलाइन आएगी मैं उसको लागू कराऊंगा। और सरकार, हम दर दर भटक रहे हैं, उसके बाद में जो है हमारी कोई सुनने वाला नहीं। कम से कम 200 हमारे स्वच्छाग्राही जो है बीमार, ठंड में पड़ के मैम बीमार पड़े हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आज ये सारे कर्मचारी हैं, स्वच्छ भारत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार इन्हीं को आज नजरअंदाज कर रही है। क्या अब आप लोगों को ये इको गार्डन ले जाए? मैडम, मैं प्रयागराज से आई हूँ, ब्लॉक मेरा उरुवा है, मैं गीता भारती बोल रही हूँ। हम लोगों का मांग है कि जैसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को मंच के माध्यम से कहा है, तो हम लोगों को लिखित आदेश कर दे, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे, नहीं तो जब तक चाहे जितनी ठंडी पड़ेगी चाहे जो मौसम आएगा हम लोग रहेंगे यहीं पे। हम यही कहना चाहेंगे, योगी राज में, राम राज में कोई भूखा नंगा नहीं था। हम स्वच्छ भारत मिशन के आपके चलाए गए अभियान से हम लोग भूखे नंगे टहल रहे हैं। आप राम राज की स्थापना कर रहे हैं, हम लोगों का ख्याल रखिए। बहुत बड़ी बात की कि राम राज की एक तरफ स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में इतना बड़ा योगदान दिया, जिनकी वजह से आज स्वच्छ भारत जो ये कहते हैं उसमें इन्होंने कितनी अपनी योगदान दिया है, लेकिन फिर भी इनको सरकार की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। लगातार ठंड में ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी इन सबको इको गार्डन ले जाया जा रहा है। नहीं पता है कि सरकार
सुनेगी कि नहीं सुनेगी। फिलहाल ये अपनी फरियाद लगातार यहाँ सरकार के सामने दे रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार के द्वारा इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल इसके इस खबर के बाद क्या असर होता है ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM News Network।